हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज हम इस वीडियो में जो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट एम्स, पीजीआई, इसरो, रेलवे हॉस्पिटल, एसएससी, फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अर्थात जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसी को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम ज्यूरिसप्रूडेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, अर्थात ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पारित किया गया था ऑप्शन 1954, 1945, 1958, 1984। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ज्वाइंट स्टेट काउंसिल हैज ऑप्शन 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 5 to 10 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 4 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट मीन्स, अर्थात आयात का अर्थ है ऑप्शन टू ब्रिंग इनटू इंडिया, टू टेक आउट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टू ब्रिंग इनटू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज शेड्यूल जी ड्रग, अर्थात कौन सी दवा शेड्यूल जी ड्रग है, ऑप्शन सिमटीडीन, एलोप्यूरिनोल, एल एस्परजिनेज, सीटोप्रोफेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एल एस्परजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ब्रांडेड ड्रग मीन, अर्थात मिस ब्रांडेड दवा का अर्थ है ऑप्शन ए ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, ए ड्रग कंटेनिंग डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, ए ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, नेक्स्ट ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर लाइसेंस आर परमिट, अर्थात कौन सी दवा केवल लाइसेंस या परमिट के तहत आयात की जा सकती है, ऑप्शन शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, न्यू ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी दवा का आयात किया जा सकता है, ऑप्शन ड्रग्स विच आर नॉट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी, नेक्स्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रग्स विच क्लेम टू प्रीवेंट एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे टू दी रूल्स, नेक्स्ट मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया थ्रू रेल इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अर्थात भारत में रेल के माध्यम से दवाओं के आयात की अनुमति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ऑप्शन अमृतसर रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर कैंट, रानाघाट रेलवे स्टेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया थ्रू सी एंड एयर बोथ इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अर्थात भारत में समुद्र और वायु दोनों के माध्यम से दवाओं के आयात की अनुमति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ऑप्शन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज ए नेचुरल कलर, ऑप्शन कैरोटीन, कैरामेल, टेट्राजीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कैरोटीन। कैरोटीन इज एन ऑरेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन 15, 16, 18, 24। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेल एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, अर्थात उन दवाओं की सूची जिनका आयात, निर्माण और बिक्री और पैकेजिंग विशेष प्रावधान द्वारा शासित है
अनुसूची में शामिल हैं। ऑप्शन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एम, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल, अर्थात इंसुलिन इंजेक्शन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल पी, शेड्यूल जी, शेड्यूल ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जी एम पी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग आर कवर्ड इन। ऑप्शन शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी। इसका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू सेल आर स्टॉक द शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स रिटेल इज। ऑप्शन 20, 20A, 21, 21A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 20A। फॉर्म 20A इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर रिटेल सेल आर स्टॉक ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रीपैकिंग लाइसेंस इज इशूड टू। ऑप्शन शेड्यूल सी, शेड्यूल जी, शेड्यूल जे, शेड्यूल एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, अर्थात निम्नलिखित में से किसका आयात प्रतिबंधित है। ऑप्शन टॉयलेट प्रिपरेशन, मिसब्रांडेड ड्रग, यूनानी ड्रग्स, नन ऑफ दी एवब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिसब्रांडेड ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी, इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ दी सब्सटेंस डेट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन आर लेबल्ड अकॉर्डिंगली आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, अर्थात उन पदार्थों की सूची जिन्हें केवल मेडिकल सुपरविजन के तहत उपयोग की आवश्यकता होती है तदनुसार लेबल किए जाते हैं जिन्हें अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन शेड्यूल आर, शेड्यूल जी, शेड्यूल एफ एफ, शेड्यूल सी एंड सी वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल जी। शेड्यूल जी ड्रग्स शुड बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन, अर्थात अनुसूची एक्स के मामले में प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ओनली वन कॉपी, फाइव कॉपीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रिप्लीकेट। शेड्यूल एक्स ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन ट्रिप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एडवाइस अर्थात औषधि सलाहकार समिति सलाह देती है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, DTAB अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी एबव। बिकॉज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एडवाइस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव आर गिवेन इन शेड्यूल, अर्थात यांत्रिक गर्भ निरोधक के मानक अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल आर, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल आर। शेड्यूल आर स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली इज गिवेन इन शेड्यूल, अर्थात दवाओं की सूची जिन्हें केवल जेनरिक नाम के तहत विपणन किया जाता है अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल यू, शेड्यूल टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल डब्ल्यू। जेनरिक ड्रग लिस्ट इज गिवेन इन शेड्यूल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूरियस ड्रग मीनिंग विच आर अर्थात नकली दवा का अर्थ है जो है। ऑप्शन इमिटेशंस, सब्स्टिट्यूट्स, रिसेम्बल अदर ड्रग, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज कैंसल्ड
दी लोन लाइसेंस इज, अर्थात यदि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो लोन लाइसेंस है। ऑप्शन सस्पेंडेड, कैंसल्ड, रिन्यूअल्ड, अप्रूव्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाई, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए शेड्यूल एच ड्रग कैन बी डिस्पेंस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑप्शन 2, 3, 1, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1। शेड्यूल एच ड्रग कैन बी डिस्पेंस्ड ओनली वंस ऑन वन प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन रेगुलेशन अमेंडेड बाय, ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, ऑप्शन 3 years, 1 year, 5 years, 6 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 years। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, The front of a pharmacy shall bear an inscription, अर्थात किसी फार्मेसी के सामने एक इंस्क्रिप्शन होगा। ऑप्शन केमिस्ट, मैन्युफैक्चरर, फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The area of the section to be used as dispensing department shall be not less than, अर्थात डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनुभाग का क्षेत्रफल से कम नहीं होगा। ऑप्शन 4 square meters, 6 square meters, 10 square meters, 8 square meters। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 square meters। डिस्पेंसिंग पार्ट शुड नॉट बी लेस देन 6 square meters। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर विदाउट बॉन्ड लाइसेंस आर इशूड बाई, अर्थात बिना बॉन्ड लाइसेंस के निर्माण किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन एक्साइज कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर इशू लाइसेंस फॉर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडोम्स आर टेस्ट एट, अर्थात कंडोम का परीक्षण यहाँ किया जाता है। ऑप्शन सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, इंडियन रोसेन एंड टर्पेंटाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The left hand top center of the label of Schedule X drugs contains symbol, अर्थात Schedule X दवाओं के नाम के बाएं हाथ के शीर्ष केंद्र में प्रतीक है। ऑप्शन XRX, RX, RMP, TDS। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, XRX। XRX for Schedule X drugs। नेक्स्ट क्वेश्चन, A drug sample taken by the drug inspector for analysis is sent to, अर्थात drug inspector द्वारा विश्लेषण के लिए लिया गया एक दवा का नमूना यहाँ भेजा जाता है। ऑप्शन drug controller, deputy drug controller, excise commissioner, government analyst। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, government analyst। नेक्स्ट क्वेश्चन, government opium factory is situated at, अर्थात सरकारी अफीम का कारखाना स्थित है। ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नीमच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नीमच। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट नीमच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज नोन एज, अर्थात किसी दवा पर निर्धारित तरीके से लेबल नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन स्पूरियस, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड,
इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिसब्रांडेड। मिसब्रांडेड ड्रग्स आर नॉट लेबल्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन टू बी ऑब्जर्व्ड बाय इंपोर्टर इन द अंडरटेकिंग आर गिवन बाय हिम इन फॉर्म। ऑप्शन 10, 32, 9, 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 9। फॉर्म 9 इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस कैन बी इंपोर्टेड अंडर ए लाइसेंस इन फॉर्म। अर्थात जांच परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाओं को लाइसेंस के तहत आयात किया जाता है। ऑप्शन 10, 11, 12, 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 11। फॉर्म 11 इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग ड्रग्स फॉर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परमिट फॉर इंपोर्टिंग ए ड्रग एज ए पार्ट ऑफ बोनाफाइड लगेज इज सैंक्शनड इन द फॉर्म नंबर। अर्थात वास्तविक सामान के हिस्से के रूप में एक दवा के आयात के लिए एक परमिट फॉर्म संख्या में स्वीकृत है। ऑप्शन 12, 12 ए, 12 बी, 11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 12 बी। फॉर्म 12 बी इज नीडेड फॉर इंपोर्टिंग ए ड्रग एज ए पार्ट ऑफ बोनाफाइड लगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ प्रेमिसेस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग शुड नॉट बी लेस देन। अर्थात शेड्यूल सी और सी वन दवाओं के होलसेल के लिए परिसर का क्षेत्रफल कम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 8 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 10 स्क्वायर मीटर। द एरिया फॉर होल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड सी वन शुड नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एम एंड वाई वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इन। अर्थात अनुसूची एम और वाई को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पेश किया गया था। ऑप्शन 1976, 1982, 1988, 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1988। शेड्यूल एम एंड वाई वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फिनिश्ड एल्कोहलिक प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड इन जार्स और बॉटल्स इच कंटेनिंग नॉट मोर देन। अर्थात सभी फिनिश्ड एल्कोहलिक प्रिपरेशन को जार या बॉटल में संग्रहित किया जाना चाहिए जिनमें से प्रत्येक में अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर, 5 लीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 2.25 लीटर। फिनिश्ड एल्कोहलिक प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड इन 2.25 लीटर्स कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द रजिस्टर्स। अर्थात हर साल राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्टर को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1 अप्रैल। एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज प्रिंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैव ए क्वालिफाइड पर्सन एंड एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग। अर्थात प्रतिष्ठान जिसमें एक योग्य व्यक्ति हो और जो नशीले दवाओं के संयोजन में संलग्न हो। ऑप्शन ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी फार्मेसी। ए फार्मेसी शुड हैव ए क्वालिफाइड पर्सन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स हैविंग क्वालिफाइड पर्सन एंड वेयर ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड इन। अर्थात योग्य व्यक्ति वाली दवाओं के बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर और जहां दवाओं का संयोजन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, नन ऑफ दी एवब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शुड हैव क्वालिफाइड पर्सन, ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The quantity of sample taken for analysis should not be analysis। अर्थात
विश्लेषण के लिए लिए गए नमूने की मात्रा विश्लेषण में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 10 ml, 20 ml, 5 ml, 50 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 10 ml। मिनिमम 10 ml ऑफ सैंपल इज टेकन फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सीरा एंड टॉक्साइड्स आर एग्जामिन्ड एट, अर्थात एंटी सीरा और टॉक्साइड की जांच यहां की जाती है। ऑप्शन चेन्नई, लखनऊ, इज्जतनगर, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवेन इन शेड्यूल, अर्थात अनुसूची में एलोपैथिक पॉइजन की एक सूची दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए शेड्यूल ई। एलोपैथिक पॉइजन्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजा एज पर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट मीन्स, अर्थात नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अनुसार गांजा का अर्थ है। ऑप्शन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, रूट्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ऑल पार्ट्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज मेड इन, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रमुख संशोधन किया गया था। ऑप्शन 1975, 1982, 1985, 1986। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इज गिवेन इन शेड्यूल, अर्थात आयुर्वेदिक और यूनानी पॉइजन्स की सूची अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ एंड F1, शेड्यूल E1, शेड्यूल H। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी शेड्यूल E1। नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ए ऑर्डर ऑफ दी, अर्थात रजिस्टर नाम केवल निम्नलिखित के आदेश से हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन PCI, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट PCI, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज इज, अर्थात राज्य औषधि प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति हैं। ऑप्शन ड्रग इंस्पेक्टर, केमिकल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ड्रग कंट्रोलर। ड्रग कंट्रोलर इज द इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IND रिफर्स टू, अर्थात IND को संदर्भित करता है। ऑप्शन शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडिया, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इनोवेटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The schedule that deals with the standards for disinfectant fluids is, option schedule B, schedule P, schedule O, schedule M. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, schedule O. नेक्स्ट क्वेश्चन, The excise officer in charge of bonded laboratory may be permitted to take a sample from each batch of finished preparation free of duty up to a maximum amount of, अर्थात बॉन्डेड लेबोरेटरी के प्रभारी आबकारी अधिकारी फिनिश्ड प्रिपरेशन के प्रत्येक बैच से अधिकतम शुल्क मुक्त नमूना लेने की अनुमति दे सकते हैं। ऑप्शन 250 ml, 150 ml, 100 ml, 500 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ दी आइजलेस कंटेनिंग कोलतार, ऑप्शन परमिटेड, एग्जेम्प्टेड, प्रोहिबिटेड, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी प्रोहिबिटेड। आइजलेस कंटेनिंग कोलतार कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज, अर्थात कृत्रिम रंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैरामेल, करक्यूमिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी
कैरामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स स्टैंडर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इंक्लूड्स, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रावधान के अनुसार ड्रग्स स्टैंडर्ड में शामिल है। ऑप्शन ड्रग्स कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, ड्रग्स कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑल फार्माकोपिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्रग्स कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑल फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल फॉर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज, अर्थात कॉस्मेटिक के लिए मानक की अनुसूची है। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल बी, शेड्यूल पी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन, ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल ई, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ डिजीज विच ए ड्रग मे नॉट क्लेम टू क्योर इज गिवेन इन शेड्यूल, ऑप्शन शेड्यूल जे, शेड्यूल जी, शेड्यूल पी, शेड्यूल वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल जे। शेड्यूल जे लिस्ट द डिजीज विच आर अनक्यूरेबल बाई ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन सीरा इंसुलिन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल, अर्थात वैक्सीन सीरा इंसुलिन अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन शेड्यूल सी, शेड्यूल सी वन, शेड्यूल ई, शेड्यूल एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल सी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ फॉर्म शुड बी यूज फॉर अप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग, ऑप्शन फॉर्म 8, फॉर्म 19, फॉर्म 12 ए, फॉर्म 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉर्म 19। फॉर्म 19 इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ए लाइसेंस फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ फॉर्म शुड बी यूज फॉर अप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ऑप्शन फॉर्म 12 ए, फॉर्म 19, फॉर्म 8, फॉर्म 24 सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फॉर्म 12 ए। फॉर्म 12 ए शुड बी फिल्ड टू अप्लाई फॉर इम्पोर्ट ऑफ पर्सनल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the schedule in drug and cosmetic act that deals with the requirement and guidelines for clinical test import and manufacturer of new drug, अर्थात drug and cosmetic act में अनुसूची जो नई दवाओं के clinical test आयात और निर्माण के लिए आवश्यकता और दिशा निर्देश से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल ओ, शेड्यूल एम, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लिनिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू ओपन ए रिटेल ड्रग, अर्थात एक रिटेल ड्रग खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक फॉर्म संख्या है। ऑप्शन 19, 20, 21, 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 19। फॉर्म 19 इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ए लाइसेंस फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 शेड्यूल ऑफ ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन आर गिवेन इन शेड्यूल, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन की अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल एफ एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल के, शेड्यूल डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल एफ एफ। शेड्यूल एफ एफ इज स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ए ड्रग विच इज एन इमिटेशन ऑफ आर इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनोदर ड्रग इज डिमांड टू बी ए, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार एक दवा जो किसी अन्य दवा की नकल
या उसका विकल्प है उसे माना जाता है। ऑप्शन एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पोरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी स्पोरियस ड्रग। स्पोरियस ड्रग इज एन इमिटेशन आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनोदर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, एल्कोहल विच हैज बीन rendered unfit for human consumption by the addiction of substances approved by the central government is called। अर्थात मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के अनुसार शराब जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पदार्थों के अतिरिक्त मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया गया है कहलाती है। ऑप्शन मिथाइलेटेड स्प्रिट, डाइल्यूटेड स्प्रिट, डीनेचुरेटेड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए मिथाइलेटेड स्प्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ₹500। ₹500 इज द पेनाल्टी फॉर एडवर्टाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, PCI, AICTE, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल डी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज रिलेटेड टू। अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूची डी संबंधित है। ऑप्शन लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी आर लेट डाउन बाय। अर्थात फार्मेसी का शिक्षा विनियमन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग फार्मेसी एजुकेशन आर अप्रूव्ड बाय दी। अर्थात फार्मेसी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षा संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कमेटी डेट एडवाइस दी DTAB अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड वेरियस गवर्नमेंट इज। ऑप्शन DCC, DEC, DCI, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए DCC। DCC इज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी विच एडवाइज दी DTAB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। अर्थात अंधेपन का इलाज निम्नलिखित विज्ञापन का एक उदाहरण है। ऑप्शन प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए प्रोहिबिटेड। एडवर्टाइजमेंट फॉर क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the punishment when any person obstructing an inspector to exercise his duty? अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी निरीक्षक को उसके कर्तव्य के पालन में बाधा डालता है तो उसे क्या दंड दिया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए imprisonment up to 6 months or fine up to 1000 or both। नेक्स्ट क्वेश्चन, ibuprofen belongs to which schedule as per drug and cosmetic act 1940। अर्थात drug and cosmetic act 1940 के अनुसार ibuprofen किस अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन schedule b, schedule g, schedule h, schedule x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है c schedule h। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।